कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ जिला इकाई के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन देने वाले कोचिंग संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि कोचिंग संस्थान पिछले 1.5 वर्षों से बंद है, जिससे सभी कोचिंग संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अगर आगे कुछ नहीं कमाएंगे तो परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच जाएगा, इसलिए सरकार कोचिंग संस्थानों को जुलाई से खोलने की परमिशन दे, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। इस संबंध में कोचिंग संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग नहीं चलाया जा सकता, सरकार कोचिंग सेंटरों को खोलने की परमिशन दे। हम लोग सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, कृष्णा त्रिपाठी नाम है सर, डीएम सर ऑनलाइन क्लास चलाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है उसमें सर ऑनलाइन क्लासेस चलाना संभव नहीं है। और सर ऑनलाइन क्लासेस तब चलेंगे सर जब कोचिंग ओपन होगा, कुछ प्रवेश होगा बच्चों का, सर ऑनलाइन प्रवेश तो हो नहीं पाता है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार मार्च 2020 में जब कोचिंग और स्कूल का बंद करने का आदेश आया, तो बीच में सभी चीज़ों को ओपन करने का आदेश आया, बीच में सबका गाइडलाइन बना कि इस गाइडलाइन से आप इस चीज़ को ओपन कर सकते, लेकिन कोचिंग का गाइडलाइन कभी नहीं आया। पुनः दोबारा 2021 अप्रैल में दूसरी लहर में फिर से कोचिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन खोला कभी नहीं बीच में गया। अब दोबारा सर अभी तक सारी चीज़ अनलॉक में खुल रहे हैं, लेकिन कोचिंग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं। हम लोग जितने निजी शिक्षक हैं, जितने कोचिंग संचालक हैं, सब लोग सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि सबको बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, बैंक का ईएमआई देना है, और क्लासेस सर चल नहीं रहे हैं। और ऑनलाइन की बात डीएम सर कहे हैं, ठीक है, डीएम सर का जो आदेश है वो सर्वोपरि होगा, जो शासन का आदेश होगा उसी को हम लोग पालन करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि एक विशेष एसओपी के तहत जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की जाती है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग संस्था चलाने के लिए तैयार, कोचिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर एक क्लास में बच्चों की संख्या 50 है तो हम 10 पढ़ा लेंगे, 5 पढ़ा लेंगे, लेकिन हम लोगों का पेट है सर। और डेढ़ साल हो गया है, तो डेढ़ साल में इसका कम से कम, तो सर उसमें ये है कि जितने लोग निजी शिक्षक हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, हम चाह के भी उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे सर, भुखमरी आ गई है। कई लोग फ़ोन करते हैं कि सर मुझे मेरे घर राशन नहीं है, ये स्थिति आ गई है, और सरकार कुछ नहीं सुन रही सर। इसलिए हमको बस कोई कंप्लेन नहीं है सर, हम लोग एसओपी को बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हम वायरस क्या है, उससे बचाव क्या है, उसको हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य लोगों की समझते हैं लेकिन हम उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं सर। सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का हम लोग अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारा निवेदन है सर शासन प्रशासन से कि कोई गाइडलाइन, सख्त से सख्त गाइडलाइन लाए, लेकिन हम लोग को संस्था खोल दे, नहीं तो सर अब हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। और सर हम लोग सभी लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, जो 18 प्लस बच्चे हमारे यहाँ आते हैं सबको हम वैक्सीन लगवाने की बात कहेंगे, वैक्सीन के लिए हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं सर। और हम लोग अपनी बात पक्ष से भी विपक्ष से भी एमएलसी साहब से भी कहें, हम लोग स्नातक एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जी लखनऊ से, सबसे हम लोग अपनी बात रखें, लेकिन हर जगह एक ही बात आ रही है, आप ऑनलाइन पढ़ाइए सर। ऑनलाइन अभी हम खुद एक कोचिंग संचालक हैं, 2 साल में हमको ऑनलाइन से 1 रुपया नहीं मिला सर, ऑफलाइन पैसा हम लोग नहीं वसूल पाते हैं, तो ऑनलाइन कहाँ से वसूलेंगे सर। हम लोगों की व्यथा कोई नहीं सुन रहा है, सब कुछ ओपन हो गया, बहुत दुख होता है। एक रोडवेज बस में सर खड़े होकर लोग यात्रा कर रहे हैं, बैठ के वो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अपने बस में सर एसओपी का पालन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, ट्रेन में नहीं रख पा रहे हैं, चिड़ियाघर और तमाम तरह की ऐसी गैर जरूरी चीज़ को भी खोल दिया गया, लेकिन हमारे संस्थानों को नहीं खोला गया, इसका हमें बेहद कष्ट है। हम गाइडलाइन के तहत आना चाहते हैं, हम वायरस को मानते हैं, लेकिन जब सामान्य स्थिति होगी तभी नहीं खुलेगा, गंभीर स्थिति में तो हम खोलेंगे ही नहीं, तो सर हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग अभी तो पेट है। ऑनलाइन के नाम पर ऐसे हमको मारा ना जा सके।